दो साल की उम्र में पोलियो हो गया एक ऐसे शहर में जन्मी काटावांजी, उड़ीसा का एक छोटा सा कस्बा, ऑर्थोडॉक्स मारवाड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली, जहाँ पे माँ बाप को भी नहीं पता ये पोलियो क्या होता है। डॉक्टर्स को लगा मलेरिया है, इंजेक्शन दे दिया, 50% बॉडी काम करना बंद कर दिया। 1.5 साल तक कोमा की स्थिति पे बेड पे पड़ी रही। माँ ने हार नहीं मानी, बाप ने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं हम बच्चे का केयर करेंगे। मालिश किए, हर नीम हकीम सबके पास लेके गए, पर पता नहीं आगे फ्यूचर क्या होगा। 4 साल की एज में मैं चलना वापस से सीखी, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, भागते हुए आगे फिर से मैं चलना शुरू किया। स्कूल के लिए जब वो परेशान हुए, एडमिशन नहीं मिल रहा था, कोई भी बच्चा, कोई भी स्कूल इस बच्चे को लेना नहीं चाहता था, संभव कहीं एक स्कूल में एडमिशन मिला। बहुत ज्यादा तो स्कूल की बातें याद नहीं आती, पर इतना याद आता है कि बहुत संघर्षपूर्ण था, मेरे लिए आसान नहीं था। स्कूल जाती थी, रास्ते में कुछ बच्चे खेलते होते तो वो चिढ़ाते थे, लड़खड़ाते थे, एक्ट करते थे और पत्थर भी मारते थे, इग्नोर करती थी या उधर नहीं देखती थी। ऐसा लगता अगर आज मैंने इनको देख लिया, अपने आप को रोक लिया, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। वो 4 किलो का बस्ता, वो 1 किलो का टिफिन, वो 1 किलो का पानी बोतल आज भी याद आता है। जब मैं निकलती थी स्कूल से घर जाने को, लंबा सा सफर लगता था, कोई साथ चलने को तैयार नहीं होता था, धीरे धीरे रुकते हुए अकेले घर आती थी, क्योंकि शरीर में पोलियो था, मन में पोलियो नहीं। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हुई, आगे डॉक्टर बनने की इच्छा थी। माँ बाप को कहा तो पापा ने कहा कि नहीं, हमारी फाइनेंशियल पावर इतनी नहीं है। क्या बोलते ऐसे बच्चे को, किस तरीके से डिसेबल बच्चे को वो बाहर भेजते, नहीं भेज सकते, उनकी मजबूरी थी। Somehow मैंने कॉमर्स लिया, जो एक कॉलेज था छोटे से गांव पे, वहां कॉमर्स की पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। चार साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिली कि आप सीए का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन घर पे बैठ के दे सकते हो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं करूंगी कोशिश। जिस समय सीए की पढ़ाई शुरुआत की, ना तो मुझे डेबिट समझ में आता था, क्रेडिट समझ में आता था, मैं भूल चुकी थी अकाउंट्स, फिर भी कोशिश किया, घर पे बैठ के 1 महीना कोशिश की। वहां से उस समय 30 या 40 बच्चे ने गांव से एग्जाम दिया था, मैंने टॉप किया। माँ बाप को साहस आया कि बच्ची कुछ कर सकती है, इसे पढ़ने का और मौका देना चाहिए। आगे पढ़ने के लिए मैं शहर गई, शहर पे इतना बड़ा शहर था, पहली बार तो मैं 1000 बच्चों को देखा, कहाँ छोटे से गांव में 50 बच्चों के साथ पढ़ी हुई। बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं कि जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, पर मुझे कभी समझ में नहीं आया कि स्ट्रगल क्या होता है। वो आम लोगों को दिखाई देता कि हमारा शरीर काम नहीं देता, लेकिन मन में कभी नहीं था। मन से अगर हार जाती तो मैं आज हार जाती। सीए कंप्लीट हुआ, मैंने 6 महीने पहले कंप्लीट किया और मुझे अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, उसमें मैंने टॉप किया। घर पे पढ़ा 2-3 महीना, सब उनको समझ में आया कि लड़की मेहनत बहुत कर रही है लेकिन हो नहीं रहा है। फिर दिल्ली गई, अकेले दम पे दिल्ली गई, वहां पढ़ाई स्टार्ट की, वहां पढ़ाई करी और एग्जैक्ट 1 ईयर में मैं रैंक लेके वापस आ गई। यूपीएससी की लिस्ट में मेरा नाम आया, सबका नजरिया चेंज हो गया। मैं बचपन से क्विक डिसीजन रही हूँ, मैं सोच लेती कि मुझे ये करना है तो मैं करके रहती थी, चाहे वो भीड़ से अलग होता है। भीड़ हमेशा क्रिटिसाइज करता है कि क्यों कर रही हो, पगला गई हो। जब मैं सीए से आईएएस बनने का सोचा तो भी लोगों ने यही कहा, तुम्हें पता है तुम सीए भी नहीं रहोगी, आईएएस भी नहीं रहोगी। पर मुझे आज तक के सर्वे में लोगों ने कहा कि यू आर द फर्स्ट सीए इन लेडी ऑफिसर जो बिकम इनकम टैक्स डिप्यूटी कमिश्नर। उड़ीसा के छोटे से जगह से पली हुई, जब मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करती थी, इनिशियली मुझे लगता था कि मैं एक छोटे से गांव में पढ़ी हूँ, काश मैं कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ती, कोई बड़ी जगह में पढ़ती, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लेती तो शायद मैं कुछ होती। लेकिन जब क्लियर किया, जब एग्जाम में लोगों से कम्पीट किया, चाहे वो IITian हो, MBBS हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, तो भी बात समझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। किताबें वही सेम है, ABCD वही सेम है, AI वही सेम है, पढ़ने का जुनून आपका अलग है। आप उस किताबों को शिद्दत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, वही आपको आगे लेके जा सकता है। आज की दुनिया में कोई चीज आपको आगे ले जा सकती है सिर्फ एजुकेशन और परिश्रम और विल पावर। मुझे एक बात याद आती है कि जब मेरा एक डॉक्टर जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऑपरेशन किया था घुटनों का, उन्होंने जब मेरा रिपोर्ट देखा, मेडिकल रिपोर्ट, तो उन्होंने एक बात बोली कि सारिका हमें लगता नहीं है कि तुम चल सकती इस मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन तुम चल रही हो सिर्फ विल पावर के कारण। और दुनिया में कोई चीज आपको बदल सकती है जो अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अद्वितीय कुछ हो सकता है तो सिर्फ पढ़ाई है, एजुकेशन है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। लोगों की बातों पे बच जाइए, लोग तो पांव खींचेंगे, हमेशा आपको ये बोलेंगे तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी ड्यूटी करो। पर मेरी सोच है कि मन में आई है, इच्छा आई है, तो मुझे उसे करके जाना है। मंजिल मेरी कहाँ है वो मुझे लेके जाएगी।
अगर रास्ते हैं तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो फासले, फासले तो हौसले, हौसले हैं तो विश्वास है।